वेल लाइव फीड में अंजलि मुनव्वर के बीच कुछ कॉन्वर्जेशन हुई जो फिलहाल सोशल मीडिया पे भी वायरल होती हुई नजर आ रही है, जहां पे मुनव्वर जो है अपनी गर्लफ्रेंड का राज खोलते हुए अंजलि के सामने नजर आते हैं। क्या कुछ है अंजलि का इसके ऊपर का रिएक्शन, चलिए आपको बताते हैं और वीडियो दिखाते भी है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट संदोष वेदांगी। करने का आपको बता दें, कल लाइव फीड का आखिरी दिन था, उसके बाद लाइव फीड बंद होने वाला था। उसके पहले मुनव्वर और अंजलि के बीच कुछ कॉन्वर्जेशन होती है, जहां पे मुनव्वर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताते हुए नजर आते हैं कि आखिर वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे अंजलि को उस वे में जिस वे में वो चाह रही थी शायद, या वो एक्सपेक्ट कर रही थी, या जिस वे में वो कर रही थी। बिकॉज मुनव्वर का कहना था कि ऑब्वियसली बाहर कोई है जिसके साथ वो अनफेयर चीजें नहीं करना चाहता, और इसी के बारे में जो उनका कॉन्वर्जेशन हुआ है, सो मैं आपको उतना पार्ट जो है सुनाती हूँ कि आखिर क्या कुछ उन दोनों के बीच कॉन्वर्जेशन हुई है और उसके ऊपर अंजलि का भी क्या कुछ रिप्लाई आया है। सो हियर इट इज। बाहर चीजें कैसी दिखती है हमें समझ में नहीं आता, तो लोगों ने शायद तुझमें और मुझमें वो मुंजरी में कुछ देखा होगा, इसलिए लोग ऐसे कह रहे थे। मैं तुझे और मुझे पता, ये दोस्ती वाला एंगल है, दोस्ती वाली साइड है, और अगर मैं तेरी बातों से अगर और आगे बढ़ता तो शायद बाहर किसी के लिए अनफेयर होता। यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में मुनव्वर बात करते हुए क्लियरली नजर आ रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इसीलिए कभी वो लाइन क्रॉस नहीं करता था, और मुझे पता तू भी नहीं करती थी, बट बिकॉज मुझे पता है यहाँ की दुनिया अलग है, बाहर की अलग है, सो वो मैं मिक्स नहीं करना चाहता, और तुझे एज अ दोस्त मैं नहीं खोना चाहता। जिसके ऊपर अंजलि कहती मैंने एज अ दोस्त ही चीज़ें की थी। तो इस तरीके से सामने आ रही है इन दोनों की बातें लाइव फीड बंद होने से पहले, और ये कॉन्वर्जेशन के ऊपर कई सारे फैंस जो है फिलहाल बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी कॉन्वर्जेशन के ऊपर आपका क्या है ओपिनियन, आपका क्या है रिएक्शन, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून।